हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और हम डिस्कस कर रहे हैं 2017 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। तो उसके 50 हमने पहले क्वेश्चन जो सेट ए के हमने कर लिए डिस्कस, 51 से शुरू करते हैं। अगेन तो बहुत ही स्पेसिफिक एक ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। एंड इसमें क्या बात हो रही है, इसमें पूछ रहे हैं कि काकातिया किंगडम का एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए काकातिया किंगडम है किस तरफ। ये जहाँ पर जैसे लेट्स से जो आंध्रा है, जो वारंगल में इनका हेडक्वार्टर था आंध्रा में था ये 1030 जो जैसे ना 1100 जो एडी के आसपास से शुरू होकर ये जो वहाँ पर चलते हैं ये आगे 200-300 साल जैसे 1150 एडी से लेकर 1300 एडी के आसपास तक चलते हैं ये एंड काकातिया किंगडम। एंड यहाँ पर जो इसका जो इम्पोर्टेंट जो एक सी पोर्ट था, थोड़ा फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, उसका नाम है मोर्तुपल्ली। रिपीट हो जाए तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। रिपीट होगा क्वेश्चन, आपको बताऊंगा मैं कौन से रिपीट हुआ। ओके, देन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस अगेन न्यूज़ में था। कुछ करंट अफेयर स्पेसिफिक क्वेश्चन भी हैं जो हमें बस जानने हैं, जो उस वक्त न्यूज़ में होते हैं दोबारा चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पर अब जो इसके बारे में बात करें अगर, तो यह है कि इनिशिएटिव यूरोपियन यूनियन, ओके ऑल राइट दैट इज़ ट्रू। एंड टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट देता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू देयर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड बजट्स, ऑल राइट ये भी सही है। लेकिन हाँ, ये इनको ये जो अपना काउंसिल सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह इनको ये जो नहीं करता। एंड तो इसीलिए बस आपको ये बात बतानी चाहिए क्योंकि बहुत सारा ऐसे तो डेटा बहुत याद करने के लिए हो जाएगा। तो आंसर इज़ 1 and 2 ओनली जो UPSC से हमें पता लग रहा है। ओके, देन आगे बहुत ही ज़्यादा पेक्यूलियर क्वेश्चन एंड वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिपीटेड, ठीक है। ध्यान प्लीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे ध्यान। अब यहाँ पर देखो जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में इतना कुछ पढ़ते हैं, देन इवन देन UPSC से ऐसे सवाल निकाल रहा है जो कि ऐसा लगता है कि कहाँ से निकाल रहा है, ठीक है। तो अब ये पूछा हुआ है ये पूछा हुआ आपसे सौत्रंतिका एंड समित्या, ये पूछा हुआ है ये सेक्ट्स किसके हैं, ये सेक्ट्स जैनिज्म के नहीं है, ये सेक्ट्स बुद्धिज्म के हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। यू शैल नॉट फॉरगेट दिस, ये अभी आने वाले टाइम में कैन बी रिपीटेड। बुद्धिज्म वाला क्वेश्चन बुद्ध कहाँ कहाँ विजिट किए थे वो 2 बार रिपीट हो चुका है, 2 बार पेपर में UPSC में बैक टू बैक आ चुका है, ठीक है। ओके, तो ये नहीं भूलना आपने। तो ये बुद्धिज्म के सेक्ट्स हैं, जैनिज्म के नहीं। एंड देन उसके बाद लिखा हुआ है जो सर्वस्तिवदन, सर्वस्ति मतलब सर्वस्त सभी कुछ कि सभी कुछ बराबर है, दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिनोमेना वर नॉट होली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन अ लेटेंट फॉर्म, कि सभी कुछ इकट्ठे है, ठीक है। दैट इज ट्रू, ये भी बुद्धिज्म की ही एक मान्यता है। एंड कि सभी कुछ सभी जैसे जो फिलोसफीज वगैरह की जो इंटीग्रेशन वगैरह की बात करता है। एंड तो ये सर्वस्थ, सर्वस्थ मतलब सब कुछ इकट्ठा, एंड सर्वस्थवादिन इज वो वाली फिलोसफी, ऐसी नॉलेज, ठीक है। तो ये जो UPSC इसको पूछ चुका है इसको, ये दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगेन रिपीट हुआ, वो है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी का बॉर्डर एक और बार सवाल पूछ लिया गया, ठीक है, और ये 2016 में आया था, 17 में भी आ गया। इसके बॉर्डर पर पूछा गया कि कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो मेडिटेरेनियन सी के बॉर्डर पर हमने आपको प्री मिक्स में सवाल पूछे हुए हैं, मेडिटेरेनियन में पूरा का पूरा एक प्री मिक्स बनाया था, ठीक है। तो ये वाला मेडिटेरेनियन सी पर आपके पास कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो एक बार मैप में ही देख लेते हैं कौन सी सी अगेन कंट्रीज़ हैं। देखो ये मेडिटेरेनियन सी आपका, तो यहाँ पर देखो सीरिया, ये ना बिल्कुल भूलना मत, टर्की से शुरू होती है कहानी, सीरिया तक बात आती है, लेबनन, ठीक है, लेबनन भी है, इसराइल भी है, ठीक है, जॉर्डन नहीं है, इराक नहीं है, ठीक है, सऊदी अरेबिया तो देखो ये भी नहीं है, सऊदी अरेबिया भी, इजिप्ट है, लीबिया है, ट्यूनीशिया है, ठीक है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, स्पेन है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे पोर्चुगल नहीं है, पोर्चुगल कहाँ पर है, अटलांटिक में है, अटलांटिक ओशन को टच करता है, मेडिटेरेनियन को टच नहीं करता। फ्रांस है, इटली है, एट्सेट्रा, ठीक है, ये जो आपने जो देख लिया जो साइप्रस वगैरह इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर अभी लड़ाई चल रही है, अभी जेरूसलम को डिक्लेयर कर दिया USA ने, हमारी ऑफिशियल एम्बेसी होगी, ठीक है, एम्बेसी खोल दी है। इसराइल अगेन न्यूज़ में है, तो इलाका पूरा आपको जो डेड सी है, रेड सी है, इसका इलाका पूरा बिल्कुल ढंग से रटा होना चाहिए, मैप को बस देखते रहो, सोचते रहो ये कंट्री का है, ये कंट्री का है, ऐसे ही सवाल कराक होगा, ठीक है। टर्की है, सीरिया है, लेबनन है, इसराइल है, ठीक है, ये जो TSLI तो बिल्कुल ही नहीं भूलना आपने, ठीक है, TSLI, तो ये पर्टिकुलर हमारी कंट्रीज हैं। चलो वापस चलते हैं अपने पेपर की तरफ। तो हमारा आंसर क्या हुआ बताओ, यहाँ पर कौन सी हैं, जॉर्डन दिखा था आपको वहाँ पर, जॉर्डन वापस जाके देखो, नहीं था जॉर्डन वहाँ पर, ठीक है, जॉर्डन नहीं, इराक भी नहीं, लेबनन था, सीरिया था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बैठा है यहाँ पर, 54th का आंसर इज सी,
ठीक है, तो ये करेक्ट कर दिया हमने, 54 का आंसर सी, ये गलती नहीं होनी चाहिए, आसान सवाल बन जाता। देन NIIF हमने इनफाइनाइट बार डिस्कस किया, ये सवाल भी रिपीट हो रहे हैं फंड्स पर, ठीक है। नीति आयोग का ऑर्गन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको मैं देख रही है, 4 लाख करोड़ नहीं भाई, 40,000 करोड़। देखो UPSC से फिगर्स पूछ रही है, क्योंकि देखो बहुत न्यूज़ में था 40,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ ने सरकार ने देने अपने बजटरी एलोकेशन में, 20,000 करोड़ प्राइवेट से इकट्ठा करना है सोवरन वेल्थ फंड ये वो वगैरह से, तो आंसर क्या हो गया इसका, ये भी गलत हो गया, तो आंसर इज नाइदर। तो ये तो वैसे बोनस राउंड है, इसमें तो लूटने नंबर आपने। देन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमने बात की थी, हमने जैसे वर्ल्ड अपने वीडियोस में वर्ल्ड बैंक ने जो बहुत सारी प्राइवेट पार्टीज़ के साथ मिलकर चाह रहा है कि वो बनाए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएं, ठीक है, और ताकि प्राइवेट सेक्टर का जो जो पैसा को भी यूज़ किया जाए ढंग से। एंड उसके सिवा जैसे आपको मैंने बताया था जैसे BBIN है ना, BBIN करके में जो कॉरिडोर बन रहा है जो बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल जो जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको उसको एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंस कर रहा है, तो ऐसी ऐसी बातें भूलनी नहीं है। ओके, जैसे एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट एक जो UN ने जो बनाया हुआ है, जैसे अब जाके पढ़िएगा प्लीज़, हमने उसको जो रिवाइज भी किया था PIB में, जो TIR एक हमने इंडिया ने कन्वेंशन साइन कर दिया कि जो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स होंगी, जिसमें हमने जब PIB कवर कर रहे थे हमने किसी किसी लेक्चर में, तो वहाँ पर हमने TIR हमने कवर किया था, क्या होगा उससे आपको पूछ सकते हैं। देन लोकसभा में नॉमिनेशन फाइल करना है, उसके लिए आपसे सवाल पूछा गया यहाँ पर, तो ये पूछ रहे हैं कि कौन नॉमिनेशन फाइल करते हुए इंसान को क्या होना चाहिए, सिंपल यहाँ पॉज करके अपना आंसर चेक करो, बहुत ही बेसिक सा आंसर है, तो एनी सिटीज़न जहाँ पे जो उसका बस नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए, अगर इलेक्टोरल रोल में उसका नाम नहीं है तो वो फाइल तो वो लड़ नहीं सकता इलेक्शन। ओके ठीक है, तो अब नेक्स्ट, अब इंडिया हिमालय से स्प्रेड होकर फाइव स्टेट्स नहीं गिन के देखना, जम्मू कश्मीर से शुरू करो और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को भी शामिल करो, 5 से बहुत ज़्यादा है, तो 5 गलत हो गया। वेस्टर्न घाट स्प्रेड होकर 5 स्टेट्स ये भी नहीं है, वेस्टर्न घाट क्योंकि गुजरात से शुरू होता है याद रखना, गुजरात महाराष्ट्र देन गोवा देन कर्नाटका, ठीक है, एंड देन नीचे आते हैं केरला एंड तमिलनाडु, नीलगिरीज जो केरला एंड तमिलनाडु दोनों में ही है, तो शायद 5 से ज़्यादा हो गई हैं, 6 हो गई हैं। ओके, पुलिकट स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स, ये बात सही है, ठीक है, पुलिकट सही है, पुलिकट के पास एक आइलैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड, आइलैंड पर सवाल पूछे गए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, तो इसका आंसर ये भी गलत हो गया, तो आंसर इज 3 ओनली, वैसे ही जैसे ये 2 गलत हुआ आपके आंसर थोड़ा सा और भी सही हो गया, 3 आंसर आ गया। BOD 25,000 बार आपने किया हुआ है, तो BOD पे डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, कि इकोसिस्टम्स की बात हो रही है, ब्लड ये वो फॉरेस्ट फॉरेस्ट कहाँ से आ गया, ठीक है, तो इकोसिस्टम में बात हो रही है कि कितना पॉल्यूशन है अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन की डिमांड किस तरह चल रही है। UN हैबिटेट ये करंट अफेयर्स में था, तो डायरेक्टली बस आंसर देखते हैं, आंसर इसका B 1 and 3 ओनली, ठीक है, एक बार इसको क्विकली रीड कर लीजिएगा, चांसेस अगेन आर लो कि इसको दोबारा रिपीट किया जाए UN हैबिटेट को, लेकिन जस्ट एक बार इसके बारे में पढ़ लेना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं इसको ज़्यादा ड्वेल नहीं कर रहा। और NSQF अगेन करंट अफेयर्स में था, तो इसको अगेन आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स, तो NSQF इज अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है लर्नर कैन एक्वायर सर्टिफिकेशन फॉर कॉम्पिटेंसी ओनली थ्रू फॉर्मल, नहीं नहीं ओनली फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल से भी अलाउड है, एंड उसके बाद ताकि वोकेशनल जैसे जो वोकेशनल और जनरल एजुकेशन के बीच में जो लोगों को आराम से मूव कराया जा सके, वोकेशनल क्या होता है कुछ ऐसे पर्टिकुलर चीज़ जो कि आपको कुछ रोज़गार प्रोवाइड करे, और जो जनरल एजुकेशन के बीच में जैसे होता है ना जैसे ITIs वगैरह होते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं आपको, तो उनके बीच का गैप कम कर सकें, उसके लिए ये एक नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो अब शुरू कर दिया गया है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है ये, वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, देन उसके बाद आगे मूव करते हुए यहाँ पर आया डायआर्की। डायआर्की क्या होता है, डायआर्की मतलब दो चीज़ों का रूल, या फिर दो जगहों पर एक आधी चीज़ें आप रूल करो आधी चीज़ों पर किसी और का रूल होगा। तो ये जो डायआर्की इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में कैसे, जब सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए गए थे, दो आपके पास लिस्ट आई थी, वैसे 3 लिस्ट आई थी, ठीक है, प्रोविंसेस को हमें कि ये गवर्नर के पास होगा कुछ ये, और जो कुछ ये जो काम है ये अपने पॉपुलरली इलेक्टेड जो हमारे नेता लोग हैं वो करेंगे, ठीक है, तो ये 62 का आंसर इज डी। तो डायर के सब्जेक्ट्स के डेलीगेशन, तो ये डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर टू 2 हाउसेज, ये तो बाई कैमरलिज्म होता है ना, डबल गवर्नमेंट सेंटर स्टेट ये भी नहीं है, फेडरलिज्म कहलाता है, 2 सेट ऑफ रूल है, चलो ये तो UPSC की क्रिएटिविटी का नजर ये नज़ारा दिख रहा है, ठीक है। देन 63rd नेशनल करियर सर्विस अगेन न्यूज़ में था, तो ज़्यादा मेरे को लगता नहीं लोड लेने की रिक्वायरमेंट है, आंसर इज़ नाइदर, ठीक है, कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में है वैसे, चलो नंदले छोड़ो उसको, लेबर मिनिस्ट्री के बाद आगे चलते हैं। S4A सरकार ने स्क्रैप कर दिए, RBI ने बंद कर दिए, और NPA के लिए फ्रेमवर्क था, तो और इसीलिए तो NPA के लिए फ्रेमवर्क था, वैसे ही हमारा काम बहुत आसान हो गया जैसे आपको पता लगा, लेकिन ये सरकार ने इस बार इस पर जो कमर कस दिए NPA, और इसको बंद कर दिया गया।
स्कीम ऑफ आरबीआई फॉर रीवर्किंग ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज फेसिंग जेन्युइन डिफिकल्टीज, जो एनपीए बना रही थी। एक बाकी आप पढ़ोगे ऑप्शन, आपको पता लग जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट, बैंक करप्सी, वो किसी में कुछ ऐसे फालतू ऑप्शन बनाई हुई है तंग करने के लिए। ओके, क्लाइमेट एंड जो क्लीन एयर कोलिशन है ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स के लिए सही है, G20 का नहीं है। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना, ये G20 का यहाँ पर ये इनिशिएटिव ना होकर ये UNEP का, ठीक है, UNEP का इनिशिएटिव है। एंड ये ठीक है, फोकस इसका ब्लैक कार्बन वगैरह पर है। हमने भी रिसेंटली ब्लैक कार्बन पर आपको सवाल भी पूछे हैं अपने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में। ओके, तो ये अपने इसका आंसर क्या बैठ गया, फिर 65th का आंसर बी हो गया। देन इंडियन ओशन डायपोल आपको सर ने समझाया, अगर आप क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं तो उसमें सर ने आपको IOD के बारे में बताया, IOD क्या फिनोमेना रहता है, और IOD के अगर जैसे सबसे पहली ही अगर बात करें तो जाके उस वीडियो का क्विकली दोबारा देख सकते हैं। तो वो एक जो वेस्टर्न इंडियन ओशन तो सही है, ईस्टर्न इंडियन ओशन होता है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया। ठीक है, दोनों ट्रॉपिकल हैं, बात रखना, ठीक है, इंडियन ओशन वैसे ही काफ़ी ट्रॉपिक्स में ही ऑपरेट करता है तो मेजरली। एंड IOD फिनोमेना जो एल नीनो के इंपैक्ट को जनरली अगर पॉजिटिव IOD मिल जाए तो एल नीनो हो तो उसको कम कर देता है, तो बारिशें देश में अच्छी हो जाती हैं हमारे देश में। 66 का आंसर क्या बैठा, फिर बी, ठीक है, IOD को नलीफाई कर देता है। देन घड़ियाल्स, जो घड़ियाल्स हैं जनरली फ्रेश वाटर में मिलते हैं, तो फ्रेश वाटर में हमारे यहाँ पे एक ही चीज़ दिख रही है सिर्फ, और वो है चंबल रिवर, तो इसीलिए थोड़ा सा आसान हो जाता है इसी चीज़ से भीतरकनिका वगैरह में, जो 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 सॉल्ट वाटर वाले ही हैं सारे। ठीक है, ओके, पुलिकट वगैरह के आगे देखें तो देन योर कम्स योर IONS, तो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम हमने भी कवर किया है अपने MPIB जो कवर कर रहे थे उसमें, जो वेरियस जो ना चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर करते हैं एक्सरसाइज वगैरह, तो उसमें हमने कवर किया था। ये 2015 में नहीं, ये बहुत पहले 2008-09 कभी, चलो मुझे भूल गया, तब हुआ था। ठीक है, तो जो इनॉगरल तो ना 2015 में गलत हो गया, तो एंड वॉलेंटरी इनिशिएटिव है यहाँ पे, आपको ये UPSC बोलते हैं, तो दैट इज़ ट्रू, वॉलेंटरी, किसी को फोर्स नहीं किया गया। मैरीटाइम कोऑपरेशन अमंग क्या बात है, लिटोरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन, दैट इज़ ट्रू। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, टू ओनली। ओके, देन बौद्धिस्तवा पद्म पानी कल्चर में कवर किया, अगर ये बातें भूल गए, ऐसी ऐसी चीज़ें रिकॉल नहीं हुई, नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये तो रिकॉल करनी ही करनी है। बौद्धिस्तवा पद्म पानी कहाँ पर है हमारा, अजंता, इमेज भी देखी थी आपने, NCERT में लगी हुई है, वो जो NCERT है 11वीं की NCERT, एक या दो सवाल तो देकर ही जाएगी। ओके, देन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सवाल मेरे हिसाब से, अगर आपको आता है तो बहुत ही बधाई, लेकिन जब मैं आपको 70th का ऐसे ऐसे पेपर में सवाल छोड़ने भी तो है ना कुछ, 100 में से 100 नंबर लेकर आओगे आप, तो 100 में से 200 नंबर। ओके, तो यहाँ पे इसका 70th का आंसर इज़ 1 ओनली, तो ये बस इतना थोड़ा सा इसको बस एक बार ना, प्लीज़ आई वुड हाईली रिक्वेस्ट कि एक बार गूगल करके इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, चांसेस आर वेरी लो कि रिपीट हो, लेकिन हाँ बस क्योंकि ना कभी कभी ये न्यूज़ में होते हैं और थोड़ा सा पेपर टफ़ करने के लिए सवाल डालने पड़ते हैं, बहुत टफ़ करने के लिए ठीक है। तो वैसे भी देखो लास्ट ईयर कट ऑफ है 105 point something, तो कट ऑफ ऑलरेडी काफ़ी लो है, 52 क्वेश्चन सही चाहिए, बट लेकिन स्टिल ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हैं ऐसे वाले कुछ। ओके, चलो इसको 70th का आंसर हमारा है सिर्फ, जो आंसर इज जो ए ओनली। देन आगे प्रोसीड करते हैं हमारे पास 71st क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पर तो ये आपको बोलता है कि वाटर कंजर्वेशन में क्या हेल्प करेगा, जो जो अगर हम जैसे उसको टिलिंग नहीं करते अगर जो लैंड की, तो पानी अंदर जैसे जो जनरली सीपिन नहीं होता तो पानी अकॉर्डिंगली हमारा जैसे सेकंड, हाँ जी, तो यहाँ पर जैसे जीरो टिलेज का जो अपना पर्पज़ क्या होता है कि आपने जो जो टॉप लेयर को ऐसे छोड़ दिया, जो नीचे वाली जो एक्सपोज्ड अगर जो जो नीचे वाली लेयर होगी जिसमें ऑलरेडी थोड़ा सा वाटर रिटेन्ड होता है उसको एक्सपोज कर दोगे तो वो वहाँ से वाटर लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वाटर कंजर्व करने की टेक्निक होती है जीरो टिलेज बोलते हैं। तो जब से मैं अप्लाई करने का यहाँ पर इरीगेशन से कोई ताल्लुकात नहीं, इस पर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी थी कि ऑलरेडी जिप्सम में पानी होता है तो जिप्सम वाटर कंजर्व करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जनरली जिप्सम का जो यूज़ रहता है वो क्या होता है कि जैसे जिप्सम का फॉर्मूला इज़ कैल्शियम सल्फेट है ना एंड 2H2O, तो कैल्शियम सल्फेट है तो ऑलरेडी ये ना कैल्शियम है तो बेसिक चीज़ है, तो एसिडिटी को कम करने के लिए जिप्सम को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली जिप्सम से टेक्सचर इंप्रूव करने की ही ट्राई रहती है कि सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव हो जाए, एंड अदरवाइज अगर एसिडिटी कम करनी होती है तो उसके लिए लाइम वगैरह लाइम स्टोन डाला जाता है ताकि एसिडिटी कम हो जाए, अदरवाइज ये तो इसीलिए ऑप्शन थोड़ी फार फेस थी। UPSC की कीज़ का इंतजार था, तो UPSC ने फाइनली हमें की में देखे बताया कि दैट इज़ नॉट राइट। ठीक है, तो UPSC ने मना कर दिया है कि UPSC बोलता सी इज़ द राइट आंसर, तो ये नहीं है। कॉन्ट्रोवर्सी थी क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे 2H2O है शायद पहले से ही जो डालने से पानी पहले से सॉइल में रहता है तो वाटर कंजर्व हो सकता है, तो लेकिन UPSC नहीं मानता इस बात को। एंड देन क्रॉप रेजिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड, इससे भी ये तो है ही नेचुरली, अगर आप जो क्रॉप रेजिड्यू को छोड़ देते हो तो वो थोड़ा सा मॉइस्चर ही प्रोवाइड करते हैं, तो वाटर कंजर्व करने में हेल्प करते हैं, एंड वो खुद भी वाटर रिटेन करने में कैपेसिटी उनकी अच्छी होती है, तो
ये वाला जिप्सम वाला कॉन्ट्रोवर्शियल था, यूपीएससी ने इसको डाउट को क्लियर किया, बताया कि वो यूपीएससी इसको नहीं मानता। ओके देन सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था, मेंस में भी एक्सपेक्टेड था पूछेंगे लेकिन नहीं पूछा गया। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ें जो उसका एम है सॉइल हेल्थ कार्ड का, तो एक बार यहाँ पॉज करके खुद भी ट्राई करने की अटैम्प्ट करो। तो एंड यहाँ पर है कि कल्टिवेबल एरिया को एक्सपैंड करना, नहीं ऐसा कोई एम नहीं है। तो एंड बैंक्स टू असेस क्वांटम ऑफ लोन्स टू बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल क्वालिटी। तो ये एक बार सोच के देखो कि क्या आपको लग रहा है ये लॉजिकल बात कि लोन सॉइल क्वालिटी पर लोन दिया जाए, तो बहुत ही फार फेस्ड है बैंक्स को ऐसे कोई मैंडेट दिया जाए। एंड देन ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन फार्मलैंड्स, ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये तो होना ही चाहिए। तो आंसर क्या है हमारा, 3 ओनली। तो इसीलिए 2 और 3 में डाउट था लोगों को, लेकिन 2 नहीं है, बहुत ही फार फेस्ड है। तो यूपीएससी में इस पेपर में पर्टिकुलरली हमें एक चीज़ पता लगती है कि ना, जो बहुत दूर की सोच जो है वो जनरली इस पेपर में रिवॉर्डेड नहीं है। जो 2017 ने हमें सिखाया कि बहुत ज़्यादा दूर का नहीं सोचना, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें ही सोचनी है। देन अगेन ये थोड़ा सा जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं रिगार्डिंग एनवायरमेंट, लिपस्टिक में लेड मिलता है, ये बात लिखी हुई है बहुत सारे बुक्स में भी। सॉफ्ट ड्रिंक में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, ये थोड़ा सा अगर गूगल करते हैं तो पता लगती है बात, येस दैट इज़ ट्रू। एंड इवन यूपीएससी की भी बता रही है कि ये बात सही है, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स हैं। एंड चाइनीज़ फास्ट फूड में तो MSG था ही, जिसको लेके मैगी वाली कॉन्ट्रोवर्सी थी आपकी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये नमकीन सा टेस्ट है, बहुत ही हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वन ऑफ दोज क्वेश्चन विच वॉज वेरी एक्सपेक्टेड। तो आंसर इज ये, ठीक है, 1 और 3। एक डाउट था कि 2 है कि नहीं, लेकिन हाँ वो भी अगर हम स्लाइड गूगल एग्जाम में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स सॉफ्ट ड्रिंक्स में होगा कि नहीं, तो यहाँ पे 50-50 टाइप वाला आपका लक आ जाएगा कि आप इसको 1 और 3 मार्क करते हैं या 1, 2 और 3 मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको UPSC के साथ और किस्मत साथ साथ ही लेके चलनी है, तो इसीलिए सुबह अपने अपने भगवान को याद करके जाएं। ठीक है, ओके देन OLED OLEDs, तो OLEDs बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, इवन कि जितने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बनते हैं OLED पे बनते हैं आजकल। तो यहाँ पे आपसे पूछना कि OLED की एडवांटेज क्या है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के ऊपर, तो वो बोलते हैं फ्लेक्सिबल जो प्लास्टिक्स जो बनाए जा सकते हैं इस पे, ठीक है जी, इनको रोल भी करना आसान है, बिल्कुल सही, रोल अप डिस्प्ले भी बना सकते हैं, स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़ते हो जो आपको गूगल से ही कॉपी पेस्ट किया हुआ UPSC ने भी। और ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज भी पॉसिबल हैं यूजिंग OLEDs, आर पार देखा जा सकता है इनके, ठीक है, जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो चीज़ों से बनते हैं बात ध्यान रखना, ठीक है, ये LEDs ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाई गई है। तो जैसे OLED पर तो UPSC ने बहुत बार सवाल पूछ लिया, तो इसीलिए OLED पर विकिपीडिया एक बार जस्ट क्विकली रन थ्रू इट, ठीक है, तो फ़ायदा होगा आपका। ओके देन ये बहुत ही अगेन मुश्किल सवाल अकॉर्डिंग टू द टीम, हमें लगता है कि बहुत ही मुश्किल सवाल है, अगेन वो वाला सवाल जो UPSC चाहता है कि 100 में से 100 किसी के ना आए, और अगर ये सवाल लोग सही कर रहे हैं तो मतलब उन पे जांच की जाए, है ना, समझ रहे हो बात आप, तो ये मुश्किल सवाल है वो वाले। तो सन टेंपल को लेके कौन सा हमारा जो इसका अमरकंटक में जो एक भगवान शिव का टेंपल है, ओमकारेश्वर में भी भगवान शिव का टेंपल है, तो सन टेंपल नहीं है, तो 1 ओनली ही बचती है ऑप्शन। तो ऑन द स्पॉट रिस्क लेने का मन करता है, ठीक है, लेकिन हाँ अगेन मेक्स द क्वेश्चन वेरी टफ, तो इसका आंसर इज 1 ओनली। ठीक है दोस्तों, तो ये पर्टिकुलर पेपर आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, कि हिम्मत से भी काम लेना है, देर विल बी वेरी टफ क्वेश्चन, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे देर विल बी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम आपकी नैया पार करवाएंगे। पॉलिटी जैसे इस पेपर में रिलेटिवली ईजियर है, इको काफ़ी आसान है, ठीक है, पार करवाएंगे। करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है तो 25-30 सवाल ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स के बिल्कुल साक्षात उठकर आ गए हैं, पढ़ा हुआ है तो 15-20 वहाँ भी निकल सकते हैं, तो 60 के आसपास क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा हिम्मत दिखाकर कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो इसे डरना नहीं है, पहली बात तो यह है कि इत्मीनान से पेपर रीड करना है, ऐसा नहीं है डू नॉट रश थ्रू द क्वेश्चन पेपर, ठीक है, डू नॉट रश थ्रू द ऑप्शंस, डू नॉट रश थ्रू द जो वहां पर स्टेटमेंट्स लिखी हैं उसमें, ऐसे नहीं बड़ो पढ़ लिया, नहीं, आराम से, ठीक है, तो पढ़ो उसको एंड यू विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स, जो ना कोई बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें हैं वो तो आप पढ़ते ही, जैसे ये वाली रिपोर्ट किसकी है वो आपको पढ़ते ही याद दिमाग में चमक जाएगी किसकी है, उसमें दिमाग नहीं लगाना होता, लेकिन जो चीज़ें जैसे लिखा हुआ था, हमने पढ़ा था बेनामी प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी वहाँ पे इत्मीनान से पढ़ोगे, अपेलेट अथॉरिटी क्यों नहीं होगी, होगी ना, तो कॉमन सेंसिकल है, आपने एक्ट नहीं पढ़ा हुआ बट येस यू कैन स्टिल डिसाइफर, ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, ये वाली बिल्कुल मिस नहीं करनी है, ठीक है, और थोड़ा हिम्मत एंड अपनी किस्मत पे भरोसा, दैट्स इट। और यहाँ वहाँ से किसी के देखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, कॉपी पेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने आप ही आई एम श्योर यू विल गेट राइट आंसर्स। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जो बाकी 25 भी डिस्कस कर लेंगे, नॉलेज में हमारा यहाँ पे जो गेन ही हो रहा है, ठीक है, थैंक्स अ लॉट।